बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से भिंडी गोश्त की रेसिपी बताऊंगी। इसे मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी और मैं इसे बहुत कम क्वांटिटी में बनाऊंगी। आप अपने फैमिली के हिसाब से जो है वो ज़्यादा भी बना सकती हैं। तो ये मैंने 1 पाव के करीब गोश्त लिया है, 1 पाव मैंने बीफ लिया है और इसे मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। और ये है बड़े साइज़ की जो है वो प्याज़ है 1 अदद, और ये जो है 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इनके जो है ये मैंने कट कर लिए है, ये फ्रीज टमाटर थे मेरे पास। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी गोश्त के साथ ही। 1.5 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसके अंदर मैं कुछ मसाले डालूँगी जिनमें लाल मिर्च है वो 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च है, और थोड़ी सी जो है वो मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है, और इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है 1/2 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दूँगी, और इसके बाद मैं लास्ट में इसके अंदर हसबे ज़रूरत नमक डाल दूँगी। बस ये सारे मसाले डालने के बाद जो है वो मैं थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन 1/2 गिलास के करीब पानी डालूँगी और कुकर को मैं बंद कर दूँगी। 1 विसल आने के बाद मैं तकरीबन 15 मिनट इसे दरमियानी आँच पर पकाऊँगी। अच्छा, ये मैंने 1/2 पाव भिंडी लिए, इसे मैंने कट कर लिया है। भिंडी को मैं फ्राई कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। आप चाहे तो इसमें लेमन भी डाल लें, लेकिन इसको मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी, इसकी लेस जो है ख़त्म हो जाएगी फ्राई करने से। 15 मिनट हो गए थे, मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। आप देख सकते हैं गोश्त भी कुक हो चुका है। मैं तेज़ आंच पर गोश्त को भूनूंगी। इसके अंदर मैंने 1/2 कप के करीब तेल डाला है। अब तेल डालकर मैं गोश्त को अच्छी तरह से भून लूंगी जब तक कि इसके अंदर से जो है वो तेल बिल्कुल अलहदा ना हो जाए, और अच्छे से मैंने इसको भूनना है। और भूनने के दौरान ही मैं इसके अंदर गर्म मसाला डाल दूँगी पिसा हुआ 1/2 चाय का चम्मच। बस गोश्त को मैं अच्छे से भूनूँगी। गोश्त को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है, आप देख सकते हैं इसमें से तेल बिल्कुल अलहदा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर फ्राई की हुई भिंडी डाल दूंगी, और भिंडी डालने के बाद मैं इसको जो है वो तकरीबन 5 मिनट हल्की आंच में दम कर दूंगी, और इसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। ज़्यादा नहीं गलाना वरना ये जो भिंडी है वो बिल्कुल टूट जाएगी। तो 5 मिनट हो गए हैं, भिंडी गोश्त बिल्कुल रेडी है, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। ये है भिंडी गोश्त की फ़ाइनल लुक। अगर आपको भी भिंडी गोश्त पसंद है, आपका तरीका अलग है, तो आप इस तरीके से बना कर देखें, इस तरीके से बहुत मज़े की बनती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।